जिन्हें सीने से लगाकर पाल पोसकर जीने के काबिल बनाया हो, वही जिगर के टुकड़े आपके जीवन के संध्या काल में आपको अपने दिल से निकाल दें तो इससे बड़ा दर्द कुछ और नहीं हो सकता। जब सुबह शाम आंसुओं की धार और अपनों का इंतजार ही जीवन का हिस्सा बन जाए और दुनिया के सारे रंग पराए हो जाएं, तब डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों प्रहरी जो पीड़ित मानवता की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, फरिश्ता बनकर पहुंच जाते हैं सहारा देने के लिए। कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश किया है राजस्थान के ब्लॉक संगरिया के सेवादार भाइयों ने। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाई गई इंसानियत मुहिम के तहत संगरिया ब्लॉक के सेवादार भाइयों ने लगभग 78 वर्षीय बेसहारा लाचार और बीमार बुजुर्ग की संभाल और इलाज करवाने के बाद दिल्ली में उसकी परिवार से मुलाकात करवाकर घर छोड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगरिया के शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार भाइयों को विगत 26 मार्च 2023 को संगरिया रेलवे स्टेशन पर बैठे एक 78 वर्षीय बीमार व बेसहारा बुजुर्ग व्यक्ति की सूचना मिली। सेवादार भाई लालचंद इंसा ने मौके पर जाकर देखा तो वह व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ था। शरीर इतना कमजोर था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया ना हो। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। बुजुर्ग व्यक्ति की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान प्रवेश उप्पल पुत्र मोहनलाल उप्पल निवासी बेस्ट पटेल नगर दिल्ली के रूप में हुई, जिसके आधार पर बुजुर्ग व्यक्ति के परिजनों से संपर्क किया गया। उनके बेटे गौतम उप्पल ने बताया कि मेरे पिता प्रवेश उप्पल काफी समय से हमारे से अलग अपने फ्लैट में रह रहे थे। हमें नहीं पता कि वह संगरिया कैसे पहुंच गए। हम लेने नहीं आ सकते, जब ठीक हो जाएंगे अपने आप आ जाएंगे। मर रही इंसानियत को फिर से जिंदा रखते हुए संगरिया के डेरा श्रद्धालुओं ने बुजुर्ग व्यक्ति को उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया और शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार भाई लालचंद इंसा व महेश गोयल इंसा बुजुर्ग व्यक्ति को अपने साथ दिल्ली लेकर गए और वहां दिल्ली के सर्वधर्म कल्याण एकता न्याय मंच के अध्यक्ष समाज सेवी विकास चालाना इंसा के सहयोग से बेस्ट पटेल नगर में रह रहे बुजुर्ग व्यक्ति के भतीजे मनोज उप्पल को सौंप दिया। थोड़ा आपका नाम की है जी? मेरा? हाँ जी, प्रवेश उप्पल। प्रवेश उप्पल, वैसे रहने वाले कितों दे हो तुसी? दिल्ली। दिल्ली दे? दिल्ली पंजाबी बाग। पंजाबी बाग दिल्ली रहने हो? नगर। हाँ जी। ते उत्थे थोड़ा परिवार की परिवार है क्या उत्थे? देखो जी, परिवार मेरा जड़े जिथों तक चला गया, मेरी वाइफ जी एक्सपायर हो गई है काफी समय पहले। अच्छा, कितना देर पहला उन्हां दी एक्सपायर? 2005 ते बच्चे किन्ने थोड़े? मेरे बच्चे है जी, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, लड़का की करता है? लड़का जड़ा हैगा वगैरह एक्स्ट्रा अपना एक्सपायर हो गया सीगा। एक लड़का एक्सपायर हो गया सी या ते दूसरा की करता है? एक्सपायर हो गया सी तकरीबन करता वगैरह जी, मतलब अपना शादी हो चुकी सी ते भाई चांस की गल है ओदी ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਤ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਨਾ डेरा श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे इस नेक कार्य को हमारे व्यूवर्स किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।